कर रही हैं, लेकिन अभी हम जो बड़े बड़े अपने सिंगर अपने आप को मानते हैं, बड़े बड़े अपने आप को सिंगर मानते हैं, वो गलत गलत चीजें जो कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग की तो एबीसीडी भी नहीं आती है, चले आते हैं फिल्म के हीरो बनने, एक्टिंग की एबीसीडी भी नहीं आती है। बढ़ती गाने गा के वो ठेले वाले पान वालों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पढ़ी लिखी जनता ऐसी फिल्में कभी नहीं देखती है ना देखना चाहेगी, वो घर बैठेगी जनता लेकिन वो फिल्म देख जाके नहीं देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जैसे कि अपने ठेले वाले पान वाले, उनके उनके पास भी अच्छी फिल्म देखने का ऑप्शन नहीं है आज, ऑप्शन नहीं उनके पास में कि अच्छी फिल्म देखें कहाँ से, उनको भद्दगी परोसी जाती है, भद्दगी दिखाई जाती है, इसके लोग करते हैं। लेकिन बालकिशन सिंह ने जो बीड़ा उठाया है बेहतरीन और साफ सुथरी हिंदी भोजपुरी फिल्म बनाने का, मेरे ख्याल से ना इस फिल्म से वो जरूर इस इंडस्ट्री की दिशा और दिशा बदलने में कामयाब होंगे। जय माता दी। नहीं, अब बात करते हैं बालकृष्ण जी मेकर की, यहाँ मुद्दा उठ रही है मेकर की, मैं से पूछ मेकर पूछेंगे आपसे मेकर की मुद्दा उठी है यहाँ पे कि मेकर जो बनाएंगे जो परोसेंगे वही देखा जाएगा। आप बताइए अपने को क्या कहना चाहेंगे उस सिंगर के बारे में? थोड़ा टाइम लगेगा कि माहौल पूरा गंदा हो चुका है, हाँ हमारे तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पीछे पीछे लोग चलेंगे और इतनी फिल्में बनती, 100 पिक्चर बन रही है मान के चलिए, हाँ 100 पिक्चर यदि ऐसा है गंदगी रहती तो चलना चाहिए सबको, कोई नहीं चल रहा है, बस हवा में है, दुनिया भर की बातें हैं। हमारी फिल्म एक भोजपुरी फिल्म नहीं है, हमारी फिल्म पहली बात तो अवधि भाषा में है और पूरा हिंदी कॉन्सेप्ट है, हमारा पूरा हिंदी कॉन्सेप्ट है। हमने रेप सीन भी लिया है ना, उसमें भी लड़की को हमने नंगा कहीं किया ही नहीं है, बहुत तोप ढक के रेप भी किया है, कहीं कुछ नहीं है अभद्रता। शायद आपको 1940 की याद आ जाएगी, क्योंकि वो फूल का रगड़ना दिखाना और पेड़ को रगड़ना दिखाना वो रेप दिखाया गया है, यानी रेप में भी आप लड़की के बदन का एक पार्ट भी नहीं देख सकते, रेप भी हमारा क्लासी हो गया है। और सिंगर की बात करते तो भोजपुरी में ऐसा है हीरो और सिंगर दोनों किरदार, तो आप क्या मायने रखते हैं इस चीज में, सही है कि गलत? बिल्कुल एग्री नहीं हमें, कम से कम आदमी का एक ही क्षेत्र के माहिर रहो ना, या तो गा लो या तो बजा लो। नहीं, भोजपुरी में ऐसा है कि जो सिंगर है वही हीरो बनने के लिए आ जाते हैं और दोनों हीरो का कई काम करते और खुद गाना गाते हैं, तो दूसरे लोगों को उसमें कितना नुकसान होता है? दुर्भाग्य है और क्या बोलूं, और उनकी गलती नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गलती सबसे ज़्यादा गलती है, उनकी गलती नहीं है, जब उनको चांस दे रहे हैं, उनसे करा रहे हैं तो वो करेंगे बेचारे, क्या कर सकते हैं। बालकृष्ण जी, एक बात और निकल के आ रही है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर बोलते हैं कि हमारे डायरेक्टर ने जो बनाया उस चीज़ को मैं मानता हूँ, तो आप मेकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खुद मेकर हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या फिर से बोलिए जरा। यहाँ प्रोड्यूसर एक जिम्मेदार मेकर को देते हैं कि नहीं, मेकर ने जो बना के दिया मैं तो पैसा खर्च किया, मेकर ने जो बना के दिया मैं दर्शक के सामने पेश किया, शायद वो चीज गलत हो जाते हैं। भोजपुरी में सिर्फ 5% प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो डायरेक्टर के ऊपर छोड़ते हैं, 95% प्रोड्यूसर सिर्फ अपना दबदबा दबा के रखे हैं, नहीं मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को इसको, अपने मन से डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, 95% इसको ले ले, उसको ले ले, उसको ले ले, उसको ले ले, मेरा बिक जाएगा, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आइटम डाल दो, ऐसा कर, इसके वजह से सत्यानाश हो रहा है, छोड़ दो ना, वो डायरेक्टर है उसके ऊपर, उसके हिसाब से बनाने दो। हमारे तो आइटम सॉन्ग्स भी ऐसे हैं कि परिवार बच्चों के साथ बैठ के देखे जा सकते हैं। आप लगभग 3 आदमी खड़े होकर फैमिली अपना पिक्चर के बारे में बता दिए, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और एक साथ झूठ होकर थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा संघर्ष में फिर से जब करना ओके स्टार्ट कर रहा है ये। दोस्तों, मैं राजेश निकुम, मैं रितु शास्त्री एंड बाल किशन सिंह, हम तीनों वादा कर